थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ आपके थाइस के लिए और आपके हिप्स के फैट के लिए, और साथ में जो आपके नाभि के नीचे का पेट होता है ना, ये वाला जो लोअर बैली होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए। देखो, इस एक्सरसाइज का एक राउंड आपको अभी मेरे साथ में करना है। मैं आपको एक चीज़ एडवांस में बता दूं कि जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज करने के बाद हो सकता है कि आपको आपकी जांघों में या यहाँ पीछे में, इधर में, यहाँ पे आपको दर्द महसूस हो, तो इस दर्द से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 दिन ये दर्द होगा और फिर धीरे धीरे करके अपने आप कम हो जाएगा। दर्द को देख के आपको प्रैक्टिस बंद नहीं करना है, इसको आपको रेगुलरली करते जाना है। अगर दर्द होता है तो आप इसके लिए अपने पैरों की सिकाई भी कर सकते हो, गर्म पानी भी डाल सकते हो उसके ऊपर, या फिर आप कोई ऑइंटमेंट वगैरह भी लगा सकते हो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ही एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो चलिए फटाफट से मैट बिछा लीजिए और आज के एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से मैट के बीच में आ जाएंगे, ऐसे। अब आपका जो राइट वाला पैर है इसको पूरा उठा के इस तरह से पीछे लेके जाइए, बिल्कुल लेफ्ट में, ठीक है। आगे वाले पैर को आप एडजस्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए और अब धीरे से इस तरह से नीचे जाएंगे और फिर इस तरह से ऊपर, वापस सेंटर में, फिर इस तरह से लेफ्ट वाला पैर राइट साइड में लेके जाएंगे, राइट वाले पैर को शिफ्ट कर लेंगे हल्का सा, फिर इस तरह से नीचे और फिर पूरा ऊपर। अगर आपके घुटनों में थोड़ा बहुत दर्द है तो आप पीछे वाले घुटने के नीचे यहाँ पे, यहाँ दोनों जगह पे ना पिल्लो रख लीजिए और पिल्लो के ऊपर अपने घुटने रखिए ताकि आपको नीचे से हर्ट ना हो, घुटने में दर्द ना हो। पहले से अगर दर्द है तो ये एक्सरसाइज आप अवॉइड भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत दर्द है कर सकते हो, तो हाफ वे में जाके भी आप इस तरह से ऊपर आ सकते हो। जो भी वेरिएशन आप पे वर्क करेगा, प्लीज़ गो फॉर दैट। अभी हम इसके 10 राउंड करने वाले हैं, तो चलिए मैट के सेंटर में आ जाते हैं और शुरू करते हैं। चलिए, 1 अप 2, आप कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, नॉर्मली ब्रीथ करते रहिए, 3 अप 4 अप, कमर बिल्कुल सीधी, पेट बिल्कुल टाइट, 5 up 6 up 7 up 8 up 9 up and 10 up, रिलैक्स। तो अभी आप देखोगे सिर्फ 10 राउंड करने से आपकी थाइस में यहाँ पे आपको हल्का हल्का सा दर्द महसूस होगा। पहले बताया हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर होगा फिर ठीक हो जाएगा। अभी ज़्यादातर दर्द हो रहा है तो इस तरह से हल्का हल्का टैप कर लीजिए तो ये दर्द आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसको करने के लिए आप आराम से इस तरह से बैठिए ऐसे, और अपना एक पैर आगे लेके आइए इस तरह से बिल्कुल सीधा, ठीक है। एक पैर पीछे इस तरह से फोल्डेड, ये वाला पैर सीधा, एंड जस्ट शिफ्ट फॉरवर्ड, पूरा आगे शिफ्ट हो जाइए और फिर पूरा इस तरह से पीछे, पूरा आगे और फिर पीछे, ये ऐसे, ठीक है। ये हमें करना है 10 बार एक पैर से, 10 बार दूसरे पैर से। तो चलिए इस तरह से कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, हाथों को इस तरह से रखिए, पैर सीधा करो ऐसे। चलिए शुरू करते हैं, 1, पूरा आगे स्ट्रेच हो जाइए जितना हो सकते हैं और फिर पूरा पीछे पैर को सीधा कर दीजिए, 2 back 3 back 4 back 5, आप देखोगे आपकी दोनों थाइस पे काफी अच्छा असर पड़ता है, 6 back, अगर घुटने के नीचे ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो इसके नीचे आप एक तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 back 9 back and 10 back, पैर को चेंज कर लीजिए, दूसरा पैर आगे रखिए, धीरे धीरे करके पैर को सीधा कीजिए, कम ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं, पैर सीधा एंड स्टार्ट, 1 back 2 back 3 back 4 back 5, बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा होगा आपको यहाँ पे दोनों साइड पे, 6 back 7, पूरा आगे खींचिए, 8 back 9 back and 10 back, दैट्स इट। आप देखोगे आपके दोनों थाइस में काफ़ी अच्छा प्रेशर आता है और ये आपके अपर थाइस के फैट को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ आपके स्पाइन को भी स्ट्रेट करता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए,
अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ना अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ थर्ड वाली, ये स्पेशली आपके इनर थाइस पे बहुत अच्छा वर्क करती है, आपके हैमस्ट्रिंग्स पे बहुत अच्छा वर्क करती है और सबसे ज़्यादा ये आपकी लोअर बेली पे वर्क करती है। कैसे करना है, दोनों पैरों को इस तरह से ओपन कर लीजिए जितना आप आराम से ओपन कर सकते हैं। टोज़ को थोड़ा थोड़ा घुमा दीजिए, राइट वाला राइट साइड में, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में, इस तरह से जितना पैरों को आप खोल के रख सकते हैं उतना खोलिए। दोनों हाथों को इस तरह से सेंटर में लेके आइए, पाम को मिलाइए अपनी, धीरे से नीचे जाएंगे और हाथों को ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, अगर आपको हाथ ऊपर लेके जाने में दिक्कत लग रही है, बहुत हार्ड लग रहा है, तो आप शुरू में हाथों को ऐसे ही रखिए, 5 राउंड आप हाथों को यहाँ पे रख के कीजिए, बाद में धीरे धीरे हाथों को स्ट्रेच कीजिए। मैं आपको एक बार साइड से भी दिखा देती हूँ, इस तरह का पोस्चर बनेगा। पैरों खोलिए, टोज टर्न, हाथ सामने, धीरे से नीचे जाएंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे लाइक दिस, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कमर में जो यहाँ पे फैट होता है ना पीछे, ये वाला ये फैट भी आपका काफ़ी तेज़ी के साथ में रिड्यूस होता है। तो चलिए फटाफट पोजीशन लीजिए, 10 राउंड करने हैं, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, प्लीज ब्रीद इसी तरीके से कीजिए, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अभी आप देखोगे आपके इनर थाइस में और आपके बेली में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच क्रिएट हुआ होगा। सो थोड़ा सा बैक को रिलैक्स कीजिए और मैट पे आ जाइए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमें मैट पे लेट के करनी है। सो इस तरीके से आराम से मैट पे आ जाएंगे, ये इस तरह से लेटिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे ऐसे। अभी आपको यहाँ पे करना है साइकिलिंग। साइकिलिंग कैसे करना है वो चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखो। इस तरह से पैर को पूरा ऊपर उठाएंगे, मैक्सिमम सीधा करने की कोशिश कीजिए जितना सीधा कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, साइकिलिंग करते वक्त एक बार आपका पैर सीधा ज़रूर होना चाहिए, किसी भी एंगल पे हो लेकिन एक बार पैर सीधा होना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं इस तरीके से, ये ऐसे करते हैं, तो आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है, पैर को सीधा करेंगे, पूरा सीधा आगे से घुमा के लेके आएंगे और फिर दूसरा पैर भी सामने से पूरा सीधा करके इस तरह से ये ऐसे घुमा के लेके आएंगे। ये एक एंगल पे आपका पैर बिल्कुल सीधा ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी जो लोअर बेली है वो भी इसमें एंगेज हो। ठीक है, चलिए इसके हम 10 राउंड करेंगे, 10 राउंड क्लॉकवाइज, 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए दोनों पैरों को उठाइए और शुरू हो जाइए, ब्रीद नॉर्मली, कम ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहीं से रिवर्स में स्टार्ट हो जाएंगे, कम ऑन, 1, 2, रिवर्स में भी आपको एक बार पैर को सीधा करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। That's it. आप देखोगे इसको करने से आपकी लोअर बेली पे भी काफी अच्छा प्रेशर आता है और आपकी थाइस पे और आपकी हिप्स मसल्स पे भी काफी अच्छा प्रेशर आता है। तो ये एक्सरसाइज आपको इतने रेपिटेशंस तो एटलीस्ट करने ही करने, आप चाहें तो उसके रेपिटेशंस को बढ़ा भी सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। दोनों पैरों को इस तरीके से ऐसे हिप्स के बिल्कुल पास में लेके आइए और इस तरह से अपने हाथों से पकड़ लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे आपको ब्रीदिंग का बहुत खास ध्यान रखना है, आपको सांस भरते हुए पूरी कमर को ऊपर उठाना है, शोल्डर ब्लेड्स को जितना हो सके अपने करीब लेके आइए ताकि आप पैरों को ऊपर स्ट्रेच कर सके। इस तरीके से पैरों को स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से अपने शोल्डर ब्लेड्स को अंदर की तरफ लेके आएंगे ऐसे, पूरा ऊपर पुल एंड बैक। यहाँ पे ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। आप देखोगे सिर्फ 10 प्रैक्टिस करने से आपके थाइस में एकदम बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, लेकिन करना आपको इसी तरीके से। अगर फैट बहुत ज़्यादा है, हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, कोई बात नहीं, इतने पहुँच रहे हैं तो भी चलेगा, इतना दूर भी रह जा रहे हैं तो भी चलेगा। पूरा कोशिश करना हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करने का, ठीक है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। चलिए शुरू हो जाते हैं, इनहेल कम अप, एक्सहेल
go down. Come on. Inhale. Exhale. Three. Exhale. Four. Exhale. Five. Exhale. Six. Exhale. Seven. Exhale. Eight. Exhale. Pura upper stretch kijiye. Nine. Exhale. The last one. Come on. Ten. Exhale. Aap dekhoge aapke pairon mein गजब का सेंसेशन हो रहा होगा यहाँ पे पूरी थाइस में और आपके लोअर बेली में भी। जब आप इस तरीके से ब्रीदिंग के साथ में एक्सरसाइज करते हैं, सही तरीके से ब्रीथ करके एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। एक राउंड मैंने आपको करके बताया है, इसी तरीके से डेली आपको इसको परफॉर्म करना है। सिर्फ एक वीक में ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब इसमें आप लोगों की क्वेरी होती है कि खाना खाने की बात करें, पहले करें, कितने दिन करें। तो देखो, आप इसको खाना खाने के 3 घंटे के बाद कभी भी कर सकते हो। कितने रेपिटेशंस करने हैं, तो मिनिमम जितने मैंने बताए इतने तो आपको मिनिमम करने हैं। अगर आप जब इससे फैमिलियर हो जाएंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, तो आप इसके रेपिटेशंस को बढ़ा दीजिए। कितने दिन तक करने हैं, जब तक आपको आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता, आपके थाइस का शेप सही नहीं होता, आपका पेट का शेप सही नहीं होता, तब तक आप इसको डेली ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।